हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 का। इस लेक्चर के अंदर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देखेंगे। हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों लगाते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, ये सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने चैप्टर नंबर 3 की पहले की वीडियोस देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा इस चैप्टर का, तो आप वहां से पहली वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो मान लो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 5 3 4 2 8, ये मैंने आपको एक नंबर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये नंबर क्या 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या करोगे, इस बड़े से नंबर को 6 से पहले डिवाइड करोगे, फिर बताओगे मुझे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप इस पूरे नंबर को क्या करोगे, 6 से डिवाइड करके देखोगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप मुझे कहोगे कि ये जो नंबर है 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप मुझे क्या कहोगे कि ये वाला जो नंबर है 6 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर आप जब डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, आपको एटलीस्ट 1 या 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, चलो 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, इतना तो टाइम लग ही जाएगा आपको डिवाइड करने में। अब मैं आपको सिर्फ देता हूँ 5 सेकेंड्स, ठीक है, या मान लो चलो मैंने 10 सेकेंड्स दे दिए, तो मैं कहता हूँ कि आप 10 सेकेंड्स में मुझे बताओ कि ये इतना बड़ा नंबर इस 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा। तो आप कहोगे इतने कम टाइम में तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, कि ये नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये वाला नंबर इस 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा जस्ट 5 या 10 सेकेंड्स में, ठीक है। पेपर में हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाएंगे और उन बड़े बड़े नंबर को हमें 6 से 7 से 3 से 11 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो बताना है, और ज़्यादा टाइम का यूज़ नहीं करना उसमें, फटाफट से बताना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि ये बड़े बड़े नंबर्स 3 से 4 से 6 से 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, बहुत ही कम टाइम में हम पता लगाते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग नंबर की। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 10 पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। देखो, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। वो एक नंबर 10 से तभी डिवाइड होगा अगर उसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट जो है आपकी 0 है। लेट सपोज मैं कह देता हूँ 2010, तो इसकी वंस डिजिट क्या हो गई, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये हंड्रेड्स डिजिट है और ये थाउजेंड डिजिट है। अगर वंस डिजिट पे, मतलब बिल्कुल लास्ट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तभी वो 10 से डिवाइड होगा, वरना वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूं आपकी 1125, तो ये क्या 10 से डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो वंस है वो डिजिट हमारी 0 नहीं है, वो 5 है। अब 212850, इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब ये 10 से डिवाइड होगा, होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो आखिरी डिजिट है, जो वंस डिजिट है हमारी, वो हमारी 0 है, इसलिए 10 से डिवाइड होगा। तो देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया कि वो 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सिर्फ आपको आखिरी डिजिट देखनी है, अगर वो आखिरी डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। आई होप आपको याद हो गया होगा डिविजिबिलिटी बाय 10, आपको याद रखनी है डिविजिबिलिटी सारे नंबर्स की, तभी आप एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी से बता पाएंगे कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब 2585, क्या 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्यों, इसकी आखिरी डिजिट जो है 5 है। 2789, 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 890 की, तो ये 10 से डिवाइड होगा, होगा, क्यों, क्योंकि इसकी आखिरी डिजिट 0 है, वंस डिजिट 0 है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5, अब ये पढ़ते हैं, अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 or 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। एक नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसकी आखिरी डिजिट बोलो या फिर वंस प्लेस पे जो डिजिट होती है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है,
वो ज़ीरो होगी या फाइव होगी, तभी वो फाइव से डिवाइड होगा वरना वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 28925, तो इसकी आखिरी डिजिट फाइव है तो ये फाइव से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं बोलूँ 28910 तो क्या ये फाइव से डिवाइड होगा? होगा, ये दोनों नंबर फाइव से डिवाइड होंगे। क्यों? इनके आखिरी के नंबर जो हैं वो फाइव और ज़ीरो है। अगर आखिरी का नंबर फाइव है और ज़ीरो है तो वो फाइव से डिवाइड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। मैं बोलूँ 7, 8, 9, 2, 1, क्या ये फाइव से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी वन है, वंस डिजिट हमारी वन है, तो ये फाइव से डिवाइड नहीं होगा। आपको ज़ीरो और फाइव मस्ट चाहिए एंड पे, ठीक है, तभी वो फाइव से डिवाइड होगा। तो ये होगी डिविजिबिलिटी ऑफ फाइव, आपको ये याद रखनी है। फाइव के लिए क्या कंडीशन है, टेन के लिए क्या कंडीशन है, टेन के लिए क्या कंडीशन है, आखिरी में जीरो चाहिए। फाइव के लिए क्या कंडीशन है, आखिरी में जीरो या फिर फाइव चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय टू, अब टू की सीखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वन प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर तभी टू से डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में या उसकी वंस डिजिट पे जीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए या एट आए। मतलब कोई भी इवन नंबर आ जाए, अगर उसके लास्ट डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है, वंस डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो टू से डिवाइड होगा। तो 2, 8, 2, 4 टू से डिवाइड होगा, होगा। 2, 8, 9, 6 टू से डिवाइड होगा, होगा। 2, 7, 3, 6, 4, 8, 9 टू से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे क्या है, नाइन है, इसी वजह से ये टू से डिवाइड नहीं होगा। आपको लास्ट डिजिट पे क्या चाहिए, या तो जीरो, या तो टू, या तो फोर, या तो सिक्स, या तो एट। 7, 8, 9, 4, 6 क्या टू से डिवाइड होगा, होगा, क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है हमारी, सिक्स। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि वो टू से, फाइव से और टेन से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको कंडीशंस याद रखनी है। अब हम आगे के नंबर्स की करते हैं। तो अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। क्या कहती है डिविजिबिलिटी बाय थ्री? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री। एक नंबर थ्री से तभी डिवाइड होगा, ठीक है, अगर उस नंबर के हर एक डिजिट को, अगर उस नंबर के हर एक डिजिट को ऐड करके, जो सम करके जो नंबर आपके पास आए वो अगर मल्टीपल हुआ थ्री का, तभी वो थ्री से डिवाइड होगा, वरना वो नहीं होगा। बात समझ नहीं आई? अभी समझ आ जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 298 ये नंबर थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, इस डिजिट के, इस नंबर के हर एक डिजिट को क्या कर लो, ऐड कर लो। हर एक डिजिट को क्या कर लो, ऐड कर लो। जैसे मुझे 298 मिला, तो मैंने 2 + 9 + 8 कर दिया। मुझे क्या मिलेगा 2 + 9 + 8 करके? 9 + 8 = 17 + 2 = 19 ये मिलेगा। अब क्या 19 3 की टेबल में आता है? 19 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, तो इसी वजह से 298 3 की टेबल में नहीं आएगा, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ 260 की, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो ये कैसे पता चलेगा? आपको हर एक डिजिट अलग अलग कर लेनी है, ठीक है, और उन तीनों डिजिट को, उन सारी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। तो 260 था, मैंने 2 + 6 + 0 कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, मुझे क्या मिला? 8 मिला, ठीक है। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब 260 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको देता हूँ 219, ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो कैसे पता लगाओगे? फटाफट से 2 + 1 + 9 करो, तीनों को ऐड कर दो। 9 + 2 क्या होगा? 11, 11 + 1 = 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है? हाँ, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 219 पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। 219 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अब आपको समझ आ गया होगा, कोई भी एक आपको नंबर मिले उसको क्या करना है, उसकी सारी डिजिट्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और जो ऐड करके आपके पास आंसर आएगा वो अगर आंसर 3 की टेबल में आएगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 की टेबल में या 3 से डिवाइड होगा। अगर वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2733 और ले लेता हूँ 2952। अब फटाफट से आप बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा?
तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे फटाफट से, 2 + 7 + 3 + 3, ठीक है, जितने नंबर हो उन सबको अलग अलग करके ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, क्या 15 3 की टेबल में आता है, आता है, इसका मतलब 2 7 3 3, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब देख लेते हैं 2 9 4 5 2, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 + 9 + 4 + 5 + 2, ठीक है, सबको ऐड कर लो, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, क्या 22 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फटाफट से आपने बता दिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करी, सीखी, इसे याद कर लेना, एक्सरसाइज 3.3 में बहुत काम आएगा। तो अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, ठीक है, बोथ का ध्यान रखना है यहाँ पे, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ये कहता है कि अगर एक नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से होना चाहिए, अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, 100% होगा। और अगर एक नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, या फिर एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको एक नंबर को डिविजिबल कराना है 6 से, तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं, जैसे हमारा हो गया 18, सबसे छोटा नंबर। अब 18 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 की टेबल में भी आता है, 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होता है, 6 3 = 18। अब मैं बात करूँ 27 की, ठीक है, तो 27 3 से तो डिवाइड होता है भाई, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 6 से भी डिवाइड फिर नहीं होगा, 27 6 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से आप, ये मैंने छोटे छोटे नंबर्स लिए, अब थोड़े बड़े नंबर लेके बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ 4 6 2 6, ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फटाफट से बताना है आपको, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी आखिरी डिजिट क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। आपकी आखिरी डिजिट 0 2 4 6 8 ये होनी चाहिए, अगर आखिरी डिजिट 0 2 6 4 8 वगैरह है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो देख लेते हैं, 4 + 6 + 2 + 6, ठीक है, तो 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 4 6 2 6, 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा 100%। आप इसको डिवाइड करके देख लो, ये 6 से भी डिवाइड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला करते हैं, अगला है डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर जिसके पास 3 या विद 3 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, वो तभी डिविजिबल होगा 4 से, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टू लास्ट टू डिजिट्स 1s and 10s इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एक नंबर जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, जैसे मैं बोलूँ 4 8 9, इसके पास या तो 3 है ना, इसके पास 3 डिजिट्स हैं, 3 होनी चाहिए या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे नंबर्स 4 से तभी डिवाइड होंगे जब आखिरी की दो डिजिट्स, मतलब कि 1s digit और 10s digit, आखिरी की दो डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगी, ठीक है। जैसे मेरे पास 489 है, तो अब इसकी आखिरी की दो डिजिट्स क्या है, आखिरी की दो डिजिट्स हैं 89, 1s 10s digit क्या है 89, 89 क्या 4 की टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, अब चेक कर लो 4 की टेबल में ये नहीं जाएगा, तो 489 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैं अब बात करूँ 2824 की, ये मेरे पास एक डिजिट है, इसमें 4 डिजिट हैं, तो हमें क्या देखनी है, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है 1s और 10s वाली, तो ये हो गई हमारी 1s वाली और ये हो गई हमारी 10s वाली, तो ये हो गया 24। क्या ये 4 से जाता है, 4 से डिवाइड होता है, होता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2824 भी 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड होगा।
अब मैं एक नंबर लेता हूँ 289736, ठीक है। नंबर जितना मर्जी बड़ा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आखिरी की दो डिजिट्स लेनी है, ठीक है, वंस वाली और टेंस वाली। तो इस पूरे नंबर की आखिरी की डिजिट है 36। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके 4 से, ठीक है। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 78975, ठीक है। ये एक नंबर लिया, तो आखिरी का नंबर लिया मैंने 75, आखिरी के दो नंबर लिए मैंने 75। क्या 75 4 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा, 75 4 से डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लूँ अगर मैं, 736 4 9 8 0, ठीक। तो इसके आखिरी के दो नंबर क्या हो जाएंगे? 84 के से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आई होप आपको अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्लियर हो गई होगी। हमें एक नंबर लेना है, उस नंबर के आखिरी की दो डिजिट्स लेनी है, ठीक है, और अगर आखिरी की दो डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगी तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब हम करते हैं अगला, डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अगर एक नंबर जिसके पास 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं वो तभी 8 से डिवाइड होगा, इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। 4 में हम क्या कर रहे थे? 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स देख रहे थे, 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, और वो नंबर के पास एटलीस्ट 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए डिजिट्स। जैसे मैं लेता हूँ 4 6 8 2, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? इसके लिए मुझे क्या लेनी है? आखिरी की 3 डिजिट्स लेनी है, ठीक है, आखिरी की लास्ट 3 डिजिट्स लेनी है, 6 8 2। अब इस 6 8 2 को आप देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लेते हैं 6 8 2 फटाफट से, 8 8 ज़ा 64, 4 उतरा, 2 नीचे आया, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर कितना बज गया? 2 बज गया। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं 967120, ये नंबर है, ठीक है, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए मुझे आखिरी की 3 डिजिट्स चाहिए, ये 120 चाहिए, तो मैंने आखिरी की 3 डिजिट्स ले ली 120। क्या अभी 8 से डिवाइड होगा? ये 8 से डिवाइड होगा, आप डिवाइड करके देख लो इसको, 8 1 ज़ा 8, 4 उतरेगा नीचे, 0, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो 120 8 से डिवाइड होगा, मतलब आखिरी की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 में हमने क्या देखा कि अगर आखिरी की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, और 4 में हमने क्या देखना था कि अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो अब है डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। तो जो डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए था वही डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए भी है। सारे डिजिट्स को ऐड कर दो और अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि मैं लेता हूँ 79284, ठीक है। तो जैसे 3 में करते थे ना, सारी डिजिट्स को ऐड कर दिया, ऐसे इसमें भी हम 9 में भी यही करेंगे। अगर 9 से पता लगाना हो, ऐड कर दो इन सबको, ठीक है, ऐड कर दोगे क्या मिलेगा? 9 प्लस 7 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 8 26 26 प्लस 4 30, ये मिलेगा। तो क्या 30 9 की टेबल से या 9 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 8 2 6 2, ठीक है, इसको ऐड करो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, ये हो जाएगा, क्या हो गया? 18। अब क्या 18 9 की टेबल में आता है? आता है, तो इसका मतलब 8 2 6 2 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे हमने 3 के लिए करते थे वैसे ही हमें 9 के लिए करना है, सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है और 3 के लिए निकालने हैं, तो अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा,
और अगर 9 के लिए निकाल रहे हैं तो उन सब डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आया वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो देन पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 72954, इन सबको ऐड करो, 7 + 2 + 9 + 5 + 4, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 नाइन की टेबल में जाता है, जाता है। तो फिर ये पूरा 72954 भी 9 की टेबल में जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, कैसे करेंगे 11 से डिविजिबल? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि उसमें ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं। ठीक है, फिर ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर देना है, फिर इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर देना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। दोनों का क्या कर देना है? डिफरेंस। अगर डिफरेंस निकालने के बाद जो आपका आंसर आता है वो या तो जीरो आए या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको ऐसे समझ तो आएगा नहीं, हमें एग्जांपल्स के रूप में समझना पड़ेगा। लेट सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 61809, ये नंबर ले लिया। अब सबसे पहले आप ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को पहचानो। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ऑड प्लेसेस में क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जो 2 की टेबल में नहीं आते वो आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इवन प्लेसेस में क्या आएगा, इवन प्लेसेस में आएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड का मतलब वो जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अब आपके पास नंबर क्या है, 61809। सबसे पहले इसमें ऑड और इवन पहचानो। ठीक है, तो ये 6 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, 8 क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, 0 आपका फोर्थ पोजीशन पे है, 9 आपका फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, ये है। अब 1 आपका ऑड है, 3 आपका ऑड है, 5 आपका ऑड है, 2 और 4 क्या है, ये इवन है, ये इवन है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड नंबर्स का सम करेंगे। ऑड कौन कौन से हैं, 6 + 8 + 9, तीनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको, 17 + 6 = 23 आया। अब आप इवन नंबर्स को लो, इवन नंबर्स को ऐड कर दो, 1 + 0 क्या मिला आपको, सिर्फ 1। ठीक है, अब आपने ऑड नंबर्स का सम निकाल लिया, इवन नंबर्स का सम निकाल लिया। फाइनल स्टेप क्या होता है आपका, ऑड में से इवन को माइनस कर दो, ये आपका फाइनल स्टेप है। ऑड आपका आया 23 और इवन आपका आया 1, 23 में से 1 को निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 22। ठीक है, अब आपने ये पूरा कर लिया, जो आपके पास फाइनल आंसर आए ऑड नंबर्स में से, मतलब ऑड का सम करके और इवन का सब करके, ऑड में से इवन को निकालने के बाद जो आपका आंसर बचे, या अगर वो 0 आए या वो कोई ऐसा नंबर आए जो कि 11 की टेबल से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे मेरा यहाँ पे 0 तो नहीं आया, लेकिन मेरे पास आया 22 और 22 11 की टेबल में आता है, 11 2 = 22। अब ये 11 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 61809 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मेरा 0 आ जाता है यहाँ पे तो भी ये पूरा डिवाइड होता, या फिर अगर 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, मतलब कोई ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड हो जाता तो ये डिवाइड होता। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके मेरे पास आता 19, 13 या कोई ऐसा नंबर जो कि 11 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये मेरे से 11 की टेबल में डिवाइड नहीं होता। अब मेरे पास 22 आया तो ये 11 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 1, 3, 3, 1, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 1, 3, 3, 1। तो अब ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, ये क्या है सेकंड पोजीशन पे, ये है थर्ड पोजीशन पे, ये है फोर्थ पोजीशन पे, ये ऑड है, ये इवन है,
ये ऑड है, ये इवन है। ऑड और इवन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने बता दिया ऑड प्लेसेस कौन कौन सी होगी और इवन प्लेसेस कौन कौन सी होगी। ऑड का सम करोगे आप, क्या मिलेगा? 1 + 3 = 4। ठीक, इवन का सम करो अब आप, क्या हो जाएगा? इवन पे ये 3 और ये 1, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 3 = 4, ये आ गया 3 + 1 = 4। अब ऑड में से इवन को माइनस करना है, ठीक है? तो 4 माइनस कर दिया, आया मेरे पास कितना? 0। तो 0 आ गया, या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल है। 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 1331 है, ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा 11 की डिविजिबिलिटी। अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी बता दी 1 से लेकर 11 तक की, बस एक नंबर की डिविजिबिलिटी नहीं बताई, वो क्या है? 7। 7 की डिविजिबिलिटी मैंने अभी तक नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? क्योंकि 7 आपका एनसीईआरटी कोर्स के अंदर, जो 6th क्लास का एनसीईआरटी कोर्स है, उसमें 7 की डिविजिबिलिटी नहीं दे रखी है। बट जब हम सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़ ही रहे हैं, तो आपको 7 की भी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। एनसीईआरटी कोर्स में 7 की डिविजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चलो, अब हमें 7 से चेक करना है, ठीक है? तो 7 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूँ 7, 8, 9, 2, 4, ठीक है? ये नंबर ले लिया मैंने। अब क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसकी लास्ट डिजिट उठाऊँगा, 7, 8, 9, 2, ठीक है? लास्ट डिजिट को अलग कर दूंगा, मतलब जो पहले की डिजिट्स हैं वो अलग कर दूंगा, और आखिरी वाली जो डिजिट है वो अलग कर दूंगा। 4 अलग कर दिया मैंने, 7, 8, 9, 2 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इस 4 का क्या कर दो, डबल कर दो। डबल कर दिया मैंने, मेरे पास आया 8, ठीक है? अब इस 8 को क्या कर दूंगा, माइनस। क्या करना है, मैंने आखिरी वाली डिजिट को अलग करना है, उसका डबल करना है, और डबल करके उसको कर देना है माइनस, ठीक है? 7, 8, 9, 2 में से 8 को माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा आंसर? आपके पास आंसर आएगा 7, 8, 8, 4, यही आएगा ना? अब अगेन फिर करोगे आप, जब तक करते रहोगे जब तक आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स नहीं आ जाती, ठीक है? 7, 8, 8, 4 है, तो 4 को मैंने अलग कर दिया, ठीक है? 4 का डबल कर दिया, 8 आएगा, और उसको मैंने माइनस कर दिया। इसको माइनस करोगे 780 आ जाएगा आपका, ठीक है? अब अगला 78, 0 को अलग कर दो, 0 का डबल करोगे तो 0 ही आएगा, कोई वो नहीं है। 78 में से 0 माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 78, ठीक है? क्या अब ये डबल डिजिट्स में आ गया? अब ये 78 क्या 7 के टेबल में आता है? तो 78 7 के टेबल में नहीं आता। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। जो आपके पास आखिरी का जो 2 डिजिट बच रहा है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, वरना वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1102, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, इसमें आखिरी वाली डिजिट को अलग कर दिया 2, इसका डबल कर दिया, आपको मिला 4, ठीक है? आखिरी वाली डिजिट को अलग कर दिया, उसको डबल कर दिया, 4 मिला आपको, और इसको आपने इसको माइनस कर दिया, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1106 ये मिलेगा, ठीक है? माइनस करने के बाद अब आप अगेन यही स्टेप करो, जब तक आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर नहीं मिल जाता, तब तक आपको ये स्टेप्स करते रहने हैं। 110 ये 3 डिजिट अलग कर दी, ये 6 अलग कर दिया, ठीक है? 6 का डबल कर दिया, आपको मिला 12, अब इस 12 को इसमें से कर दो माइनस, ठीक है? माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, 98 मिलेगा, ठीक है? अब 98 क्या 7 से डिवाइड होता है? डबल डिजिट आपको मिल गई, आप चेक कर सकते हो उसको, 98 को 7, 1 + 7, 2 बचेगा, 8 आ जाएगा, 7, 4 = 28 और पूरा कैंसिल, ठीक है? इसका मतलब 98 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 1102 भी 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमें 7 की डिविजिबिलिटी ध्यान रखनी है। ये आपके एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 3.3 का थोड़ा बहुत देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे हमें इन नंबर्स को बताना है कि ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट इतने अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आप ये पूरा का पूरा खुद से कर लेंगे, ठीक है। सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी वो बिल्कुल लास्ट पेजेस पे भी आपको आंसर मिल ही जाएंगे। बाकी ये पूरे आंसर्स मिले हुए हैं आपको, आप इसमें चेक करो, एक एक क्वेश्चन करके निकालो और यहाँ पे आके चेक करो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको 128 पहला वाला करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 128, तो सबसे पहले इसकी चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो आखिरी नंबर क्या है इसका, आखिरी नंबर है इसका 8। हमने क्या पढ़ा था 2 के अंदर कि 2 से वो तभी डिविजिबल होगा नंबर जब आखिरी का नंबर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, क्योंकि इस पूरे नंबर के अंदर आखिरी डिजिट आपकी 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया यस। अगला 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 128 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना है, तीनों को कर देना है ऐड। तीनों को ऐड करके आया आपके पास 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसकी वजह से ये 128 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया नो, ठीक है। इस तरीके से चेक करते जाओ। अगला है 128 को 4 से चेक करना है, तो 4 से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आखिरी की दो डिजिट्स लेनी थी, रिमेंबर दैट 28 हो गया, 128 की आखिरी दो डिजिट्स हो गई 28। अब ये 28 क्या 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये 4 7 28 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 128 भी 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया यस, ठीक है। अब अगला है 5 से निकालना है हमें। 5 से निकालने के लिए क्या कंडीशन हमने याद करी थी कि अगर 5 से तभी डिवाइड होगा एक नंबर जब उसकी आखिरी डिजिट या तो 0 होगी या तो 5 होगी, ठीक है। अगर किसी नंबर की आखिरी डिजिट 0 होगी या 5 होगी तभी वो 5 से डिवाइड होगा, वरना वो नहीं होगा। तो 128 में ना 0 है ना 5 है, आखिरी डिजिट क्या है इसके अंदर 8 है, तो इसलिए 128 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगला है 128 क्या 6 से डिवाइड होगा, तो 6 के लिए क्या हमने पढ़ा था, 6 के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, ये हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। तो 128 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए उसे 2 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है, 3 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है, अगर दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता इसका मतलब वो नहीं होगा, तो ये 128 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 का इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि आपके एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 128 का 8 से। 8 के लिए आपको क्या देखना था, 8 के लिए आपको आखिरी की तीन डिजिट्स देखनी थी, तो आखिरी की तीन डिजिट्स यही 128 ही है। अब क्या 128 8 से डिवाइड होता है, डिवाइड करके देख लो भाई, अगर 128 8 से डिवाइड हो रहा है तो भाई यस आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो नो आ जाएगा। तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 128 8 वन जा 8 बचेगा 4, 8 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 8 6 48। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, इसका मतलब ये 128 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया यस। 4 में हमें आखिरी की दो डिजिट्स देखनी पड़ती हैं और 8 में हमें आखिरी की तीन डिजिट्स देखनी पड़ती है, याद रखिएगा सबके डिविजिबिलिटी टेस्ट, तभी एक्सरसाइज 3.3 आसानी से सॉल्व होगी, ठीक है। 9 है, अब 128 के 9 से होगा, तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का था वही 9 का है। तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 8 ऐड कर दिया, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11। क्या अब ये 11 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब 128 भी 9 से डिवाइड नहीं हो, तो यहाँ पे भी आ गया नो। अब अगला है 10 से, तो 10 के लिए क्या कंडीशन थी, 10 के लिए कंडीशन थी कि आखिरी वाली जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए, अगर आखिरी वाली डिजिट आपकी 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आखिरी डिजिट 8 है इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। और 11 का, 11 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑड डिजिट्स का निकाल लो, यहाँ पे ऑड क्या क्या है, यहाँ पे एक तो ये 1 है और ये 8 है, ठीक है।
तो 1 + 8 क्या हो जाएगा आपके पास 9, इवन आपकी क्या है सिर्फ 2, इवन आपकी हो गई 2। अब ऑड माइनस इवन, 9 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही 0 आ रहा है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, इसलिए ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने 128 की पूरी चेक करके दिखा दी है। अब ऐसे ही आप बाकी के नंबर्स की चेक करो, आंसर्स ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, और आपके पीछे एनसीईआरटी के बिल्कुल एंड में भी आंसर्स हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेकिन सॉल्व करो, एक एक करके प्रैक्टिस करो अच्छे से, कहीं पे भी कोई भी आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर, आपके डाउट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।